महादेवाय नमः। आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में मैं राधिका नंदन स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। आज 33वां श्रृंखला है और उसमें हम लोग संधि प्रकरण पर बात कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो हम लोगों ने संधि की भूमिका पढ़ी थी, संधि क्या, इस पर बात किया था। आज इस वीडियो में हम लोग संधि के प्रकार अध्ययन करेंगे। जिन मित्रों को क्रम से पूरा देखना है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में अथवा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आज चलते हैं, देखते हैं संधि प्रकरण के प्रकार। आपको स्लाइड में दिख रहा है कि संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं, अच संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पर अच संधि इसलिए लिखा है क्योंकि अच मतलब स्वर होता है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आ जाते हैं, इसलिए चाहे स्वर संधि बोलें अथवा अच संधि बोलें। उसी तरह व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए चाहे हल संधि बोलें अथवा व्यंजन संधि बोलें। इस प्रकार संधि के तीन भेद हैं, तीनों का डिटेल हम समझ लेते हैं। देखिए स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि संधि के तीन प्रकार होते हैं, तो जिसको पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि संधि के जो तीन प्रकार हैं उसको हमने पहले से पढ़ा कि पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो संधि के तीन में सबका डिटेल हम लोग देखेंगे। तो स्वर संधि जिसे अच संधि कहते हैं। अच क्यों कहते हैं कि क्योंकि जब हम लोग महेश्वर सूत्र पढ़ रहे थे वहाँ पर हम लोगों ने अच प्रत्याहार पढ़ा था। अच प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर अक्षर समाहित है, इसलिए स्वर को अच संधि भी हम कह सकते हैं। अब देखिए स्वर संधि होने की स्थिति यह है कि जब स्वर अक्षर का स्वर अक्षर से मेल हो तो स्वर संधि होती है। इसी को उन्होंने पॉइंट में लिखा है कि जब स्वर का स्वर से मेल हो तो स्वर संधि होता है। और डिटेल देखते हैं कि जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर समझ लें कि दो स्वर अक्षर आएंगे और उसके बाद दोनों जब आपस में मिलेंगे तो कुछ विकार, कुछ परिवर्तन होगा, उसी को स्वर संधि कहते हैं। संक्षेप में स्वर के स्थान पर होने वाले आदेश को ही स्वर संधि कहते हैं। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि स्वर के स्थान पर आदेश होने वाले को ही स्वर संधि कहते हैं। चाहे ऐसा कहें कि स्वर के स्थान पर आदेश हो, स्वर के कारण आदेश हो, इसीलिए यह स्वर संधि होगा। उदाहरण हम देखते हैं कि पहला है इति प्लस अलम। यहाँ देख लें इति प्लस अलम, यहाँ देखें जो इति है उसमें अंतिम में ई है और अलम में प्रारंभ में आ है, अर्थात आ और ई और आ दोनों स्वर हैं, दोनों का मेल हुआ तो या बना, इत्यलम बना। दोनों का मेल हुआ तो क्या बना, ये या बना। यही स्वर संधि है, यही क्या है, स्वर संधि। अब उसी प्रकार कवि प्लस इंदा, यहाँ पर ई का मेल हो रहा है। उसके बाद नर प्लस ईसा, नरेसा बना, यहाँ आ ई का मेल हो रहा है। फिर तव प्लस ए तवेव बना, यहाँ आ प्लस ए का मेल हो रहा है। अपोलन इत्रम पवित्रम, यहाँ ओ प्लस ई का मेल हो रहा है। इसलिए स्वर संधि के सारे उदाहरण हैं, अर्थात स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल स्वर संधि कहलाता है। फिर समझ लें उसी चीज को उन्होंने कहा कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल हो तो स्वर संधि है। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर समाहित आ जाते हैं। इसी को मैंने पहले बताया था कि स्वर को अच संधि का कहने का अभिप्राय यह है कि अच प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर होते हैं, इसलिए चाहे आप स्वर संधि बोलें चाहे उसे अच संधि भी कह सकते हैं। अब आइए दूसरा संधि हमारा है व्यंजन संधि। दूसरा संधि कौन सा है, व्यंजन। व्यंजन को देख लें, व्यंजन को देख लें तो व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हल संधि। हल संधि क्यों कहते हैं, मैंने फिर से बताया कि हल प्रत्याहार में जब महेश्वर सूत्र हम जब पढ़ेंगे, पांचवें सूत्र है वर्ट से लेकर 14वें सूत्र हल तक के अक्षरों के समूह को हल प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं, इसमें संपूर्ण व्यंजन आ जाता है, इसलिए इसे व्यंजन संधि बोलें अथवा हल संधि बोलें। अब व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि की देख लें। व्यंजन संधि में क्या है कि एक तरफ व्यंजन होगा, अर्थात पहले शब्द का आखिरी अक्षर व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होगा यह तो व्यंजन होगा अथवा स्वर होगा। इसी चीज़ को उन्होंने देखिए स्लाइड में दिखाया भी है। देखिए ये कह रहे हैं व्यंजन का स्वर से मेल हो तब व्यंजन संधि होता।
अर्थात व्यंजन अक्षर का स्वर अक्षर से मेल हो तो व्यंजन संधि होगा, या फिर व्यंजन का व्यंजन अक्षर से मेल हो तब भी व्यंजन संधि की स्थिति बनती है, वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। व्यंजन के अब इसी को और डिटेल में देखते हैं, तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात पहले व्यंजन होगा, उसके पहले शब्द का आखिरी अक्षर व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का पहला अक्षर चाहे तो व्यंजन हो चाहे स्वर हो, और इसके बाद यदि कोई विकार उत्पन्न हो तो उसे व्यंजन संधि के अंतर्गत मानते हैं। संक्षेप में व्यंजन को हल के स्थान पर होने वाले आदेश को ही व्यंजन संधि कहते हैं। संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि व्यंजन हल के स्थान पर होने वाले आदेश को ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में है वाक प्लस ईसा, वहाँ देखिए यहाँ वाक में अंतिम का है और ईसा का प्रारंभ ई है, इस तरह वागीसा बना, अर्थात अंतिम में हल है और बाद में स्वर है, तब व्यंजन संधि हुआ। दूसरा है जगत प्लस ईसा, वहाँ भी अंतिम में पहले शब्द का अंतिम अक्षर ता है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक अक्षर ई है, अर्थात व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है तो व्यंजन संधि बना। ये इस तरह हल और अच का मेल हो रहा है इसलिए व्यंजन संधि बना, जगदीशा बना। आइए आगे देखते हैं, आगे ये देखें उसी तरह तत् प्लस लया तल्लयात बना, ठीक है ना, उसी प्रकार तत् प्लस लया तल्लया बना, यहाँ भी हल और अच का हल और हल का मेल हो रहा है। देखिए यहाँ पे तत् में भी अंतिम में तकार है जो हल है और लया में भी प्रारंभ में ला है जो भी हल है, हल और हल का मेल हो रहा है इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि हुआ। और फिर तत् प्लस जना सज्जना, यहाँ भी हल और हल का मेल हो रहा है इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि हुआ। स्पष्ट है कि उपयुक्त उदाहरण में व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो रहा है इसलिए व्यंजन संधि है। आइए चलते हैं आगे देख, अब हम लोग संधि के तीसरे भेद को पढ़ेंगे। तीसरा भेद है विसर्ग संधि। क्या है विसर्ग संधि? विसर्ग क्या है? यहाँ पर विसर्ग का स्वर से मेल हो अथवा विसर्ग का व्यंजन से मेल हो तब व्यंजन संधि विसर्ग संधि होगी। देख लें यहाँ पे दो चीज़ें स्थिति बताया इन्होंने, पहले अर्थात कहने का अभिप्राय है कि पहले शब्द का आखिरी जो में विसर्ग आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो अक्षर हो वो स्वर हो अथवा व्यंजन हो तब विसर्ग संधि की स्थिति बनती है, वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। अर्थात विसर्ग का जब स्वर से मिलो तो विसर्ग संधि होगा, विसर्ग का जब व्यंजन से मिलो तो विसर्ग संधि होगा। इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग संधि होगा, के स्थान पर जो विकार परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कही जाती है। विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। यदि आपके दिमाग में यह प्रश्न उठे कि क्या विसर्ग के बाद विसर्ग आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि विसर्ग से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द होता ही नहीं। विसर्ग हमेशा स्वर का विषय है जो स्वर के बाद आता है और शब्दों के अंत में आता, अर्थात कोई भी शब्द ऐसा नहीं होगा जिसके प्रारंभ में विसर्ग होगा, इसलिए विसर्ग संधि में प्रथम शब्द के आखिरी में विसर्ग होगा और द्वितीय शब्द के आखिरी में या तो आखिरी अक्षर या तो स्वर हो अथवा व्यंजन हो तभी विसर्ग संधि की स्थिति बनती है। संक्षेप में आगे और देखें तो संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेश को ही विसर्ग संधि कहते हैं। देख लें संक्षेप में हम ऐसा कहेंगे कि विसर्ग संधि के स्थान पर आदेश होने वाले आदेश को ही विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण देख लें, बालका प्लस गच्छत दो शब्द हैं, यहाँ पहला शब्द बालका है उसका अंतिम में विसर्ग है और दूसरा है गच्छत, तो इसका प्रारंभिक अक्षर गा है जो हल है व्यंजन है इसलिए यहाँ विसर्ग संधि होकर बालको गच्छति बना। उसी तरह आगे नमस्करोति बना, यहाँ पर भी विसर्ग और कहाँ है, यहाँ पर भी विसर्ग और व्यंजन का योग हो रहा है इसलिए विसर्ग संधि है। फिर अलिह प्लस अयम, यहाँ पर देखिए अलिरयम बना और यहाँ देखिए विसर्ग और स्वर का योग हो रहा है इसलिए विसर्ग संधि की स्थिति बनती है। और आगे यहाँ विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा है अथवा विसर्ग संधि की स्थिति बन रही है। तो इस तरह हम लोगों ने स्वर संधि का डिटेल पढ़ा, व्यंजन संधि का पढ़ा और विसर्ग संधि का पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज स्वर संधि का डिटेल पढ़ेंगे और स्वर संधि के कितने प्रकार हैं इसको पर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और पूरे संपूर्ण संस्कृत व्याकरण को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का अध्ययन लिस्ट खोलेंगे तो वहाँ क्रम से आपको
मिलेगा ये सारी वीडियो। तो शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं।